ପଢଉଛି ହେବେ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बानिक स्मार्ट क्लास विद ए न्यू सेशन। आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए क्यूब जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक रीजनिंग का। उसमें से कुछ गिने चुने कंसेप्ट है, उसमें से मैं एक कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो कि आप अगर SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कंपल्सरी एक क्वेश्चन तो क्यूब का आता है, क्लियर। तो उसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपका पूछ लिया अगर लिस्ट नंबर ऑफ कट्स इतने हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितना निकलेगा, अगर मैक्सिमम पीसेस इतने हैं तो लिस्ट नंबर ऑफ कट्स कितने निकलेगा, देन पूछता है कि कलर वाला कितना, टू फेस कलर, थ्री फेस कलर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये हम लोग का क्या है, छोटा सा सेशन है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा कवर नहीं करेंगे। मैं कोई एक पर्टिकुलर एक कंसेप्ट में आपको मैं बताऊंगा, जो कंसेप्ट क्या है, देखिए मेरे पास कंसेप्ट है, मेरे पास फाइंड आउट लिस्ट नंबर ऑफ कट्स, यहाँ पे बोला है फाइंड आउट लिस्ट नंबर ऑफ कट्स। देखिए आप कट्स कब निकालेंगे पहले ये दिमाग में लाइए, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, फाइंड आउट लिस्ट नंबर ऑफ कट्स, तो कितने कम कट्स होने चाहिए। तो ये कब आएगा आपके पास कट्स, जब आपके पास पीसेस गिवेन रहेगा देन आपके पास कट्स आएगा, हाँ कि नहीं। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 140 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स है या पीसेस है, मैं तब जाके बोल सकता हूं कि वो 140 पीसेस लाने के लिए मुझे कितना कट डालना पड़ेगा, एक बड़ा सा क्यूब में कितना कट मैं डालूंगा जिसमें से मेरा 140 आएगा क्यूब। या मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरे पास 216 है, मतलब 216 क्यूब है मेरे पास, छोटे छोटे क्यूब है, तो 216 क्यूब लाने के लिए मैं कितने कट डालूंगा जिसमें से एक बड़े क्यूब में, जैसे कि मेरा छोटे छोटे 216 आएगा, मतलब छोटे छोटे स्मॉल क्यूब आना चाहिए। तो यहां पे एक चीज ध्यान में आता है या आपके नजर में आएगा कि कट्स अगर पूछा है तो डेफिनेटली मेरे पास गिवन क्या रहेगा, पीसेस गिवन रहेगा, पीसेस गिवन रहेगा तब जाके मैं कट निकाल सकता हूं, या कट्स गिवन रहेगा मैं पीसेस निकाल सकता हूं। मैंने बोला कि मैंने 30 कट डाला हुआ है, कितना कट डाला हुआ है, 30 कट डाला हुआ है। अगर मैंने 30 कट डाला हुआ है तो कितने मैक्सिमम पीसेस आना चाहिए, अगर मैं 30 कट डाल रहा हूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 11 का क्यूब आएगा, 11 का क्यूब जो है वो आंसर है। अगर मैं 30 कट डाल रहा हूं तो हर साइड में मेरे पास 10 कट रहेगा, तो एन आ जाएगा यहां पे मेरा 11, और 11 का क्यूब मैं ले जाऊंगा जितना आएगा उतना ही मेरा फाइनल आंसर है, मतलब 1331 आएगा, ठीक है, 31 जो है वो आएगा मेरे पास, मैक्सिमम पीसेस आएगा। तो मैंने कट्स दिया तो आप पीसेस निकाले, और यहां पे ये पूछ रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ कट्स, तो पीसेस गिवन रहेगा, हम लोगों को कट्स निकालना है। तो इसके लिए मेरे पास दो मेथड है या दो टाइप है आपके पास, द टाइप वन या केस वन इज नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इज डिविजिबल बाय 3, जो भी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आपके पास गिवन रहेगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स है इज नॉट डिविजिबल बाय 3, एक आएगा नॉट डिविजिबल बाय 3 करके आएगा, क्लियर। तो चलिए पहले हम देखते हैं केस वन में किस तरह सा क्वेश्चन आएगा, ये बोल दिया। देखिए यहां पे मैंने बोला कि मेरे जो स्मॉल क्यूब है, मेरे पास जो स्मॉल जो क्यूब है, स्मॉल जो क्यूब है मेरे पास कितने हैं, 125 क्यूब है। तो इसने बोला है 125 क्यूब मेरे पास स्मॉल क्यूब है, तो कितने लिस्ट नंबर ऑफ कट्स आएगा। यहां पे देखिए पहला मैंने क्या बोला है कि जो गिवन रहेगा जो स्मॉल क्यूब उसको पहले डिसाइड करना है कि डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं होगा, क्लियर। आप बोलेंगे तो आपने लिखा हुआ तो डिविजिबल बाय 3, तो ये पूछ कह रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके पास कभी भी ये हेडिंग नहीं रहेगा क्वेश्चन में या एग्जाम में, आपके पास ये गिवन रहेगा कि स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब इज 125, देन फाइंड आउट द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स, दैट मींस ये जो 125 है ये क्यूब है कि नहीं ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5, यस एग्जैक्टली, तो 5 का क्यूब मेरे पास आ गया, कौन 125, तो ये परफेक्ट क्यूब है तो ये मैं इसके अंदर में दे रहा हूं। अगर यहां पर मैंने 100 लिखा होगा, यहां पर मैंने अगर 100 लिखा हुआ, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो उसके लिए मुझे कुछ डिफरेंस सोचना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है कि 5 का क्यूब है, ठीक है। और ये वाला कंसेप्ट जो है, ये वाला कंसेप्ट है, मैंने और एक वीडियो डाला हुआ है पहले से,
जिसमें था क्या कि मेरे पास लीस्ट नंबर ऑफ कट्स हैं तो मैक्सिमम पीसेस कैसे निकलेगा, ये वाला मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, चाहे तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला मेथड ये है, क्लियर। तो ये जो था मेरा क्या निकल गया, ये मेरा एन क्यूब निकल गया 125, क्लियर। तो एन कितना निकल गया, एन निकल गया मेरे पास 5, ओके, एन निकल गया मेरे पास 5, एन निकल गया मेरे पास कितना निकल गया 5, एंड एन क्यूब इक्वल टू 125, तो एन इक्वल टू 5 है। एन इक्वल टू 5 अगर है तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट में करेंगे कट में, हम लोगों को पता है कट इक्वल टू कितना होता है, कट इक्वल टू कितना होता है, एन माइनस 1 होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहां पे कट कितना आएगा, 4 कट आएगा आप बोलेंगे, यहां पे कितना कट आएगा आप बोलेंगे, यहां पे बोल देंगे आप लोग 4 कट आएगा, नहीं यहां पे 4 कट कभी भी नहीं आएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैंने एक साइड के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने एक साइड के लिए लिखा हुआ है, ये बात अलग है। एन क्यूब इक्वल टू 125 है, ये बात अलग है। लेकिन एन इक्वल टू 5 और कट इक्वल टू एन माइनस 1, ये मैंने एक साइड के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने एक साइड के लिए लिखा हुआ है। अब इसको मैं 3 साइड के लिए करूंगा तो कैसे आएगा, देखिए एन क्यूब इक्वल टू 125 है तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एन एन इक्वल टू कितना है 5 5 और 5। अब कट मुझे निकालना है, अब मुझे कट निकालना है, कट कितने निकलेगा, -1 -1 -1, दैट शुड बी 4 + 4 + 4 या 4 4 4, ये निकल गया मेरे पास 12। ये सबको ऐड करवा दीजिए, ये सबको ऐड करवा दीजिए, जितना वैल्यू आएगा उतना वैल्यू आपका आ गया। मतलब लिस्ट नंबर ऑफ कट्स कितने होने चाहिए यहाँ पे, अगर लिस्ट नंबर कट्स मेरे पास 12 है तब जाके मेरे पास निकल जाएगा कौन, मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास निकल जाएगा कि 125 पीसेस निकलेगा। अगर लिस्ट नंबर ऑफ कट्स मेरे पास 12 है, 12 कट अगर मैं काट रहा हूं, मतलब वर्टिकली डायगोनली अगर मैं 12 कट काट रहा हूं, देन मेरे पास आंसर निकल के आएगा या छोटा छोटा पीस निकल के आएगा 125। ये पूरा एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ क्या वाला है कि मेरे पास कट गिवन रहेगा मुझे पीसेस निकालना है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, क्लियर। मैंने निकाला, देखिए ये मैंने या ये पार्ट से भी आप लोग जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं देख लीजिए। एन इक्वल टू मैंने निकाल दिया 5, कट इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन आपका कितना निकल गया, एन आपका निकल गया 4, एन आपका निकल गया 4 फॉर द वन साइड के लिए निकला। आपके पास क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूब कितना साइड का होता है, 3 साइड का होता है क्योंकि 3D वाला होता है। तो इसमें कितना निकल जाएगा, तो एक साइड के लिए अगर ये 4 है तो 3 साइड के लिए कितना आएगा, 4 + 4 + 4 = 12, ये भी निकल गया आपका। ये मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हो, या आपको एन क्यूब इक्वल टू 125 है तो एन इक्वल टू 5 × 5 × 5 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 × 5 × 5 निकाल सकते हो। देन आपका आ गया -1 -1 -1, क्योंकि ये एक एन है, ये एक एन है, ये एक एन है, क्लियर। देन 4 4 4 को ऐड कीजिए, निकल गया वैल्यू, कंफर्म आया समझ में आपको कैसे निकलते हैं, क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एग्जांपल दे दिया स्मॉल जो क्यूब थे कितने 1 3 3 1 है, क्लियर। ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, यस किसका क्यूब है, तो एन क्यूब इक्वल टू आपके पास है 3 3 1, तो एन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना 11, तो कट कितना आएगा आपके पास एन माइनस 1, तो कट आपके पास आ जाएगा 10 फॉर द सिंगल साइड, कट आपका आएगा कितना 10, कट आपका आएगा 10 फॉर द वन साइड या फॉर द सिंगल साइड करके आ जाएगा आपका। अगर वन साइड के लिए 10 है तो 3 साइड वाले के लिए कितना आएगा, 3 साइड के लिए कितना आएगा, 3 साइड के लिए कितना आएगा, क्योंकि 3D वाला सेफ है तो आ जाएगा यहां पे 30, या आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो n इक्वल टू कितना लिखेंगे, n इक्वल टू कितना लिखेंगे 11 11 11, मतलब 11 × 11 × 11, क्योंकि ये n आया 11 तो इसका क्यूब हो रहा है, तो इसे कट कितना कैसे निकलेगा, कट निकलेगा -1 - 1 - 1, दैट विल बी 10 + 10 + 10, बात खत्म 30, आया समझ में। पहले जो गिवन है, ये जो गिवन है आपको निकालना है ये परफेक्ट क्यूब है कि क्यूब नहीं है। मैंने ये दो क्वेश्चन क्यूब में दिया क्योंकि मेरा डिविजिबल बाय 3 वाला फॉर्मेट में था, या आप ऐसे लिख सकते हो ये डिविजिबल बाय 3 है, या इसे परफेक्ट क्यूब भी आप लिख सकते हैं इसको, ये इसको आप परफेक्ट क्यूब भी लिख सकते हो, या इसको डिविजिबल बाय 3 वाला भी मेथड भी आप बोल सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला जाते हैं,
कि जो है नॉट डिविजिबल बाय 3 है. लाइक जैसे कि मैंने ले लिया स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब कितने थे मेरे पास 100 थे. 100 देखिए 100 अगर मैंने एन क्यूब इक्वल टू मैंने अगर 100 लिख दिया यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा अब मेरा क्योंकि एन क्यूब जो है 100 है तो एन कितना आएगा नहीं आएगा क्योंकि ये कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करवा सकता हूं. लेकिन प्रीवियस वाले मेथड में हम लोग कन्वर्ट किए थे लेकिन इसमें हम लोग नहीं करवा सकते तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है मेरे इसको 100 जाना है मुझे 100 जाना है. कैसे जाना है मल्टीप्लाई करके जाना है जैसे कि प्रीवियस में हम लोग लिए थे एन क्यूब जैसे था 125 तो एन इक्वल टू लिए थे हम लोग 5 तो मैंने भी अदर एक वे बताया था 5 × 5 × 5 तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करके लेके जाएंगे एन इक्वल टू 5 × 5 × 5 करके जो लेके गया था ये वाला सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज करेंगे कि कौन से नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं जैसे कि मेरे 100 आएगा. आप बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा 100 कैसे आएगा. देखिए मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूं ये मैंने क्या लिया है 3 नंबर लिया है जो कि एक ही नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 × 5 × 5 कंफर्म. तो यहां पे भी मुझे सेम टाइप सब कुछ दिमाग में लाना है. आप बोलेंगे सर क्यों आप ऐसे लिए हैं 5 × 5 × 5 या आप क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह से सोचना है क्योंकि हम लोग जब नियर रेस्ट नंबर लेंगे देन जाके उसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और ये मैक्सिमम दिया हुआ है हम लोग को कर्स निकालना है. तो आप बोलिए इसका नियर अबाउट वाला क्यूब बोलिए आप अब समझ में आ जाएगा. नियर अबाउट वाला क्यूब 100 का नियर अबाउट वाला क्यूब क्या है 125 है. तो 125 में कैसे बनाऊंगा 5 × 5 × 5 लेकिन मेरा वैल्यू तो 100 में है तो मैंने कोई एक को घटाना है यहां पे मैंने एक को घटा दिया मैंने यहां पे एक बोल दिया 4. अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 5 = 25 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 दैट मींस 100 निकल गया. अब कर्स मेरे कैसे निकलेगा -1 -1 -1 दैट शुड बी 4 + 4 + 3 दैट मींस कितने कट आना चाहिए 11 कट आने चाहिए. अगर 11 कट आ रहा है तो मेरे पास मैक्सिमम पीसेस कितने निकलेंगे 100 निकलेंगे. आया बात समझ में कंफर्म. और एक एग्जांपल दे देता हूं किसके ऊपर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ऊपर में मेरा कैसा आएगा ये आएगा कि स्मॉल क्यूब जो है वो 48 दिया हुआ है. देखिए 48 तो कोई किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसका नियर अबाउट वाला परफेक्ट क्यूब क्या है 4 × 4 × 4 करने से आएगा 64. तो नियर अबाउट वाला जो क्यूब है वो क्या है नियर अबाउट वाला क्यूब जो है 64 है. तो 64 कैसे लाऊंगा 4 × 4 × 4 करके लाऊंगा तो मुझे 48 आइए मतलब चाहिए उसको घटाना पड़ेगा. कैसे इसको 4 को 4 रखिए यहां पे -1 यहां पे -1 कर दीजिए 3 3 आ रहा है क्या. देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं नहीं आ रहा है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं नहीं आ रहा है क्योंकि 3 × 3 करने से 9 आएगा 9 × 4 जा कितना आ जाएगा 36 आएगा नहीं आएगा. तो दैट मींस कोई एक को घटाना है बाकी दो को कंसर्न रखना है. मैंने ले लिया देखिए 4 × 4 आ गया कितना 16 × 3 = 48 ये मेरा बात खत्म हो गया. दैट मींस मेरा एन अब कंफर्म हो गया कि अगर मुझे चाहिए सॉरी अगर एन मेरा कंफर्म हो गया कितना आएगा मेरे पास मेरा एन यहां पे 4 4 3 करके आएगा कंफर्म. देखिए ये सबसे इजीएस्ट है ये इसको मल्टीप्लाई करके जाना बहुत टाइम टेबल मतलब टाइम टेकिंग आएगा. तो ये पैटर्न में चलिए कि क्यूब वाला पहले ले लीजिए उसे घटा दीजिए काम बन जाएगा. -1 -1 -1 तो क्या निकलेगा कट कितना निकल जाएगा -1 करूंगा तो कट कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 3 3 ये आ जाएगा 2 दैट मींस ऐड कर दीजिए कितने मेरे पास बनेगा 9 6 8 बनेगा 8 कट बनेगा. तो 8 कट है तो मेरे पास 48 वाला आएगा कितना पीसेस आएगा या 48 पीसेस है तो मेरे पास लीस्ट नंबर ऑफ कट कितना बनना चाहिए 8. देखिए ये दो दो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जो स्मॉल नंबर ऑफ जो क्यूब निकलेगा जो 1 साइड कलर 2 साइड कलर इसी से ही बेस्ड है ये वाला. ये पहला वाला कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर वो जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है. तो इसको पहले समझिए उसके बाद वो टाइप आप इजीली बना सकते हैं. क्लियर आई होप आपको जो मैंने कंसेप्ट आज पढ़ाया कि फाइंड आउट द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स ऑफ ए क्यूब व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस इज गिवन. अब जब गिवन रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस तो आप लोग कैसे लीस्ट नंबर ऑफ कट्स निकाल सकते हो जो मैंने बताया आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा. और इसका मैंने और एक पार्ट भी डाला हुआ था जो प्रीवियस वीडियो में उसमें क्या डाला था कि लीस्ट नंबर ऑफ कट्स है तो मैक्सिमम पीसेस कैसे निकलेगा
और जाके वहां पे भी आप लोग चेक करवा सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो में आइए, ये कॉन्सेप्ट में आइए, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत इजीली समझाया मैंने, आ गया होगा। अगर भी कहीं पे दिक्कत है तो पहले वो वीडियो को देखिए, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला ये पार्ट है। क्लियर? तो आई होप आपको पूरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।